नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की, जिसमें शुक्रवार को आपको देखने को मिलेगा कि गुरुदेव कहते हैं कि प्रद्युम्न शंभरासुर का काल है और उसे प्रद्युम्न को मार देना चाहिए, लेकिन शंभरासुर कहता है कि गुरुदेव भ्रमित हो गए हैं और वो शंभरासुर को नहीं मारता। इधर श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि शंभरासुर का अंत नजदीक आ गया है। ये रोना नहीं है, मृत्यु का हास्य है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। हमारे गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं। वृद्धावस्था के कारण कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, परंतु तुम अपनी तलवार को म्यान में रखो। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है। देवी, शंभरासुर की मृत्यु का पल समीप आ रहा है। तो क्या होगा शंभरासुर के साथ, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण में शुक्रवार को आप देखेंगे कि कयाधु प्रह्लाद से प्रार्थना करती है कि वो उसे विरोचन और धृति को क्षमा कर दे। इधर कयाधु की बीमारी की खबर सुनकर विरोचन तुरंत राजमहल आता है, जहाँ उसका राज्याभिषेक किया जाता है। बस एक बार कहते कि तूने मुझे, पुत्र वधु धृति को और पात्र विरोचन को मानसिक क्षमा कर दिया है। ये युवती अपने पिताश्री की अनुमति लेकर अपने लिए वर ढूंढने निकली है। गुरुदेव, विरोचन का राज्याभिषेक कीजिए। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और बात धारावाहिक संकट मोचन हनुमान की करें तो इसमें शुक्रवार को आप देखेंगे कि सूर्पनखा रावण से सीता का हरण करने के लिए कहती है। रावण कहता है कि वो सीता को हासिल करके रहेगा। इधर रावण मारीच से मदद मांगने के लिए जाता है। बोल, क्या चाहती है तू? मैं उसकी पत्नी सीता का हरण चाहती हूँ। सीता का हरण चाहती हूँ। महादेव, जो आपने जनकपुरी के स्वयंवर में नहीं किया वो आपको पंचवटी में करना होगा। सीता मेरी है, केवल मेरी। मैं रावण का समर्थन अभी तक इसलिए करता रहा क्योंकि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रहा था, किंतु रावण अब अपनी शक्ति और सत्ता दोनों का दुरुपयोग कर रहा है। मारो! मारो! क्षमा करें महाराज। तो क्या है रावण की योजना, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। धारावाहिक शक्तिमान में शुक्रवार को आप देखेंगे कि जयकाल परिग्रहवासियों से मणि के बदले शक्तिमान को हासिल करने का सौदा करता है। परिग्रहवासी शक्तिमान से कहते हैं कि अगर वो उनका गुलाम बन जाए तो वो तबाही रोक सकते हैं। क्या चाहते हो तुम हमसे? शक्तिमान। ओह, वही जो पृथ्वीवासी होकर हमारी तरह शक्तिशाली है। गए तुम लोग शहर को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? हमें इस शहर को तबाह कर डालना है। कहो, गुलाम बनते हो या हम तबाही शुरू करें? बुद्धिमानी इसी में है कि मुझे इनका गुलाम बनने का नाटक कर लेना चाहिए। तो क्या शक्तिमान उनका असली मकसद जानने के लिए गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या शक्तिमान इस तबाही को रोक पाएगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात कर लेते हैं धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ की, जिसमें शुक्रवार को आप देखेंगे कि नरेंद्र अपनी मां को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचता है। नरेंद्र को अचानक सामने देखकर उसकी मां बेहोश हो जाती है। किस तरह नरेंद्र की मां को बचा पाएंगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ रोजाना रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।